सना न थकती है न रुकती है, वो न बीमार पड़ती है ना उससे छुट्टी चाहिए। जो मीडिया है एआई के आने के बाद किस तरीके से उसमें खतरे आए हैं और किस तरीके की चुनौतियां पड़ी हैं, उसे कोई थकान नहीं होती है, वो लगातार काम कर सकता है, लेकिन उसकी भी चुनौतियां हैं। नमस्कार। सना न थकती है न रुकती है और बिना थके 24/7 खबरें पढ़ सकती है, वो ना बीमार पड़ती है ना उससे छुट्टी चाहिए, और मजेदार बात यह है कि उसे कोई तनख्वाह भी नहीं चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज तक में समाचार पढ़ने वाली एआई एंकर सना के बारे में। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाला हूं वो है एआई मीडिया और इसके एआई के आने के बाद मीडिया में इसकी क्या संभावनाएं हैं और क्या खतरे हैं। हालांकि मैं आज इस वीडियो में, चूंकि ये बहुत बड़ा विषय है इसलिए मैंने इसको दो भागों में बांटा है, और आज मैं जिस पर बात करने वाला हूं वो है एआई और मीडिया और इसकी संभावनाएं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा, जो सेकेंड पार्ट में मैं बनाऊंगा, वो होगा जो मीडिया है एआई के आने के बाद किस तरीके से उसमें खतरे आए हैं और किस तरीके की चुनौतियां बड़ी हैं। तो जी हां, सबसे पहले मुझे लगता है कि एआई कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, क्योंकि एआई का इस्तेमाल हम पहले से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये एआई है क्या। एआई से मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई के जो जनक हैं जॉन मैकार्थी कहते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि बुद्धिमत्ता डाल करके कंप्यूटर तैयार करना या बुद्धिमत्ता के माध्यम से मशीनों को तैयार करना। कहने का मतलब यह है कि आज जो मानव है वो कृत्रिम तरीके से बुद्धिमत्ता को, आर्टिफिशियल तरीके से बुद्धिमत्ता को तैयार कर रहा है मशीनों के माध्यम से। अब एक रिपोर्ट छपती है अभी हाल में, खासतौर से जब चैट जीपीटी लॉन्च होता है 23 नवंबर 2022 को, तो पूरे भारत सहित पूरे विश्व में जो है इस बात को लेकर के चर्चा होती है, बहस छिड़ जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद किस तरीके के प्रभाव पड़ने वाले हैं पूरे समाज के विभिन्न अंगों पर, समाज के विभिन्न एस्पेक्ट्स पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, इसको लेकर के एक बहस छिड़ती है। और हाल में ही जो है एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसमें कहा जाता है एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से अगले 5 सालों में 8.3 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। ये रिपोर्ट छपने के बाद बहुत तेजी से हंगामा होता है, लेकिन इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे कि आखिरकार एआई आने के बाद किस तरीके के चेंजेस, किस तरीके की चुनौतियां, किस तरीके के खतरा पैदा होने वाले हैं। हालांकि मेरा जो मुख्य फोकस होगा इस बार के वीडियो में वो यही होगा कि आखिरकार एआई का मीडिया पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव क्या है, और इस एआई के आने के बाद किस तरीके की संभावनाएं क्रिएट होती हैं, हम उस पर बात करेंगे। मित्रों, मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि आज एआई हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। चैट जीपीटी तो अभी आया है, हम पहले से आप देख रहे हैं कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं जिनको लेकर के हम ध्यान नहीं देते कि कहां पर एआई काम कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर फेस डिटेक्शन, चैटबॉट, टेक्स्ट ऑटो करेक्शन, ई पेमेंट, ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन, एलेक्सा, ये हमारे जीवन में घुस चुके हैं, हम लगातार उनका इस्तेमाल करते हैं जो एआई द्वारा संचालित है और लगातार हमको जो है कहीं ना कहीं हमें उससे मदद मिल रही है। लेकिन जो यहां पर मेरा जो मुख्य विषय है वो है मीडिया, कि एआई आने के बाद मीडिया में किस तरीके के परिवर्तन आते हैं। आज मीडिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीडिया विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे बटा हुआ, आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खास तौर से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आया हुआ जो है वेब
न्यूज पोर्टल्स की बात करें, ब्लॉगिंग की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, उन सब पर एआई का बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। उसका स्वरूप लगातार बदल रहा है और आने वाले समय पे और बहुत तेजी से बदलेगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके की चुनौतियां आने वाली हैं, किस तरीके की कहना चाहिए खतरे पैदा होने वाले हैं, उस पर भी हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिस्क एंड रेगुलेटरी के जो प्रमुख हैं गगनपुरी कहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें थोड़ा सा सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि इसके खतरे ही खतरे हैं, हमें एक मौके के तौर पर इसे देखना चाहिए। यह एक अच्छा सुअवसर भी हमको प्रदान कर रहा है, तो इस लिहाज से हमें जो है इसको अपने कार्य में उपयोग में लाना चाहिए और उससे किस तरीके से हम ज्यादा ज्यादा मदद प्राप्त कर सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एआई है, एआई का प्रिंट मीडिया में किस तरीके से उपयोग हो रहा है, पहले से उपयोग हो रहा है, और चैट जीपीटी के आने के बाद किस तरीके के और चेंजेज जो है आने वाले हैं, और आगे एक और मैं बात करूंगा जिसकी गूगल तैयारी कर रहा है, उसके बारे में इस वीडियो के अंत में बात करूंगा कि किस तरीके से गूगल जो है चैट जीपीटी का जवाब देने की तैयारी कर रहा है, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो मित्रों, जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में चैट जीपीटी, अल्फा कोड, क्विल बोट, हाइपर राइट, गिट हब, को पायलट, सिंथेसिया, स्टेबल डिफ्यूजन, मिड जर्नी जैसे एआई के कई प्रोग्राम्स और टूल्स का हम पहले से भी इस्तेमाल कर रहे हैं और चैट जीपीटी आने के बाद इसका जो प्रयोग है बहुत तेजी से बढ़ा है। और ये जो प्रोग्राम है जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंट मीडिया में, उससे क्या क्या हमें मदद मिल रही है। हमें मदद मिल रही है समाचार बनाने में, समाचार का कंटेंट तैयार करने में, हमें पिक्चर्स को क्रिएट करने में, उनमें स्पेशल इफेक्ट लाने में, इंफोग्राफ तैयार करने में, संपादन करने में, और इसके अलावा हाइलाइटर्स निकालने में और संक्षिप्तीकरण करने में, जैसे हमें तमाम फायदे इस एआई से हमें मिल रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि पैराग्राफ बनाना हो सुंदर तरीके से या अखबारों का लेआउट एंड डिजाइन, हमें जो कहते हैं जिस तरीके से कहा जाता है कि जो समाचार है, समाचार का प्रस्तुतिकरण है, वो आकर्षक होना चाहिए, उसको आकर्षक बनाने में भी जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद कर रहा है और इसमें काफी अच्छे तरीके से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब प्रिंट मीडिया के बाद जो है हम बात करेंगे खासतौर से टीवी न्यूज की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टीवी न्यूज है, उस टीवी न्यूज में किस तरीके से हम जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैंने एक उदाहरण बताया कि किस तरीके से जो इंडिया टुडे का ग्रुप है उसके तहत जो आज तक न्यूज चैनल चलता है, उसमें अप्रैल 2023 में सना नामक एक एंकर जो एआई द्वारा संचालित है उसको लॉन्च किया। लेकिन ये जो आज तक ने एआई एंकर लॉन्च किया, ये इंडिया की पहली घटना हो सकती है, लेकिन इसके पहले चीन ने 2018 में जो उसकी न्यूज एजेंसी है चीन की शिनहुआ, उसने पहला एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया था जिसका नाम था क्यू हाओ। इसने पहली बार डिजिटल वर्जन पर समाचार प्रस्तुत किया था और चीन के बाद कुवैत ने, रूस ने और फिर तमाम देशों ने जो है एआई एंकर के माध्यम से समाचारों का प्रस्तुतीकरण शुरू किया। अब चूंकि एआई एंकर न्यूज पढ़ रहा है, उसे कोई अवकाश नहीं चाहिए, उसे कोई थकान नहीं होती है, वो लगातार काम कर सकता है, लेकिन उसकी भी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि वो सभी काम जो पत्रकार करते हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग करता है, वो सभी काम कर सकते हैं। उसकी भी कुछ चुनौतियां हैं जिसकी मैंने आपको बताया कि अगले मैं वीडियो में बात करूंगा। लेकिन ये जो चेंजेज आए हैं वो एआई के सकारात्मक चेंजेज हैं, लेकिन इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उस पर भी मैं विस्तार से बात करूंगा। चैट जीपीटी दुनिया का ऐसा पहला न्यूज समाचार चैनल है जिसका पूरा कंटेंट
जो है एआई द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका जो कंटेंट है रिच है और प्रस्तुतिकरण बहुत आकर्षक है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया की भी यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। जो आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया जो है अब घर घर तक पहुंच रहा है, हर व्यक्ति आज पत्रकार है, हर व्यक्ति अवेयर है, मीडिया लिटरेसी को लेकर के लगातार सोशल मीडिया के टच में रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो फेसबुक, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ये विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन एआई टूल्स का इस्तेमाल वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो कस्टमर है, जो यूजर है, उस यूजर को भी उसका फायदा मिल रहा है। आज लगातार लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लगातार लोग जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी बात रख रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। तो उसमें भी जो एआई टूल्स है, तो एक और तो जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका फायदा कस्टमर्स को भी मिल रहा है। मित्रों, एआई के इस्तेमाल के कितने खतरे हैं, कितनी चुनौतियां हैं, इस पे भी जैसा कि मैंने कहा कि अगले वीडियो में बात करने वाला हूं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अभी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और इसका जो नोटिफिकेशन है ऑन कर लीजिए, ताकि मैं दूसरे वीडियो में आपको बता सकूं और आप इससे अवगत हो सकें कि इस प्लेटफॉर्म पर, जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसमें एआई के आने के बाद किस तरीके की चुनौतियां, किस तरीके खतरे हैं और उससे हमें कैसे निपटना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके नोटिफिकेशन को ऑन करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लिंक पर आप अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।